हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपनी किचन में। आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए ओरियो डिलाइट रोल और चॉकलेट आलमंड फज की रेसिपी। और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो बस इसी की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं कैसे बनाया है मैंने इसे। मैंने यहाँ लिया है 10 रुपीज़ वाले ओरियो बिस्किट, और आप चाहे तो कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें ओरियो से बनाया है। तो मैंने पहले बिस्किट निकाल लिए हैं एक बोल में, और उनकी मैं क्रीम हटा दूंगी। मैंने वेनिला फ्लेवर लिया है यहाँ पर, और मैं इन सब की क्रीम हटा दूंगी धीरे धीरे। और जो बिस्किट होंगे ना मेरे, उनको मैं अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी ब्लेंड करके मिक्सर जार में। तो मेरी क्रीम हट के तैयार होने वाली है बस थोड़ी ही देर में। और देखिए सारी क्रीम अलग है, बिस्किट अलग है। अब मैं अपने बिस्किट पीस लेती हूँ। ये लीजिए पाउडर तैयार है। मिक्स कर देती हूँ मैं 1/4 टीस्पून के करीब बटर। ये सॉल्टेड बटर है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। और ये क्रीम जो दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे, इसको खाना नहीं है, इसका एक डो बनेगा जो कि हमारे ओरियो रोल में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और हमें जो मिल्क ऐड करना है डो बनाने में, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ले लीजिएगा। स्पून से डालिएगा तो बेटर है। ये तैयार है मेरा बिस्किट डो, और अब मैं रेडी कर रही हूँ अपना क्रीम डो। इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर, और डाला है मैंने डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 टीस्पून, और डाला है थोड़ा सा फूड कलर येलो। थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसे मैंने दूध में मिक्स करके डाला है क्योंकि फ्लेवर चाहिए हमें। और मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही या वो ही चाहिए। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो आपके। डो है मेरा तैयार, रख देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए अलग। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो मेरे दो डो तैयार हैं, बिस्किट डो भी तैयार है और क्रीम डो भी तैयार है। अब हम ले लेते हैं एक एल्यूमिनियम फॉयल, इसको एकदम प्लेन कर देते हैं सरफेस पे, और रख देते हैं अपना बिस्किट डो इसके ऊपर। और अच्छे से इसको प्रेस करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जिससे कि ये बेलने में आसानी हो, क्योंकि आगे हमें इसको बेलना है, एक रोलर से रोल करना है। थोड़े से क्रैक दिख रहे होंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में वो सब ठीक हो जाता है। तो एक और एल्यूमिनियम फॉइल रख दिया मैंने डो के ऊपर, और अब एक रोलर की सहायता से मैं इसे रोल कर लूँगी प्रॉपर से, क्योंकि हमें बढ़िया सा एक बेस चाहिए डिलाइट रोल के लिए। बहुत हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा। फॉइल को एकदम घुमा घुमा के नीचे तैयार है, और अब मैं इस फॉइल हटा देती हूँ। बड़ी आसानी से हट जाता है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। तो बस तैयार है हमारा एक बेस। अब मैं उसके ऊपर जो हमने डो तैयार किया था ना क्रीम वाला, उसको थोड़ा लंबा लंबा फैला लूँगी या लंबा लंबा रोल कर लूँगी उसको, या तो आप चाहे तो सिलेंडर फॉर्म में भी रोल कर सकते हैं, जैसा आपको शेप चाहिए वैसा रख सकते हैं। बस हल्के हल्के हाथ से एल्यूमिनियम फॉइल की सहायता से इसे रोल करती जाऊँगी। बहुत ही आसान है, और फायरलेस कुकिंग है सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है। तो बच्चों का भी हम साथ ले सकते हैं आराम से इसमें, और बच्चों को करने में बड़ा मज़ा आता है ये सब चीज़ें। मेरे बच्चे तो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इस टाइप की जब मैं कुकिंग करती हूँ तब, और मेरे बच्चों को ये रोल भी बहुत पसंद आते हैं, बन जाते हैं, आए दिन बनाते हैं हम लोग इसको, तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रोल हो गया मेरा रेडी। अब ये रेस्ट होने के लिए रख दूँगी मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में, जब तक ये सेट होता है। जी सेट हो गया है हमारा रोल, और बिल्कुल सेट है ये। इसके जो एजेस है ना साइड के, वो हम काट देंगे जिससे कि हमें परफेक्ट ओरियो डिलाइट रोल हमारे हाथों में आए। आप चाहें तो इससे भी हार्ड कर सकते हैं, तो 2 से आप 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं जिससे और हार्ड हो जाइए। पर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा सॉफ्टली खाना पसंद करते हैं, आप चाहें तो थोड़ा और हार्ड कर सकते हैं इसे। तो देख लीजिएगा आपको कम हार्ड लगे ये तो आप और हार्ड कर लीजिएगा। मैंने लिया है यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट, और इसमें मैं इसको रैप कर दूंगी प्रॉपरली,
और आप चाहें यहाँ तो पॉपी सीड भी ले सकते हैं। पॉपी सीड्स का करना कुछ नहीं है, बस उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और ऐसे ही प्लेट में फैला के अपने रोल को उसके ऊपर रखो और रोल कर दो, जो टेस्ट आपको पसंद हो बस वही करना है। मुझे तो ये कोकोनट फ्लेवर बहुत पसंद है एक्चुअली, तो मैंने ये बनाया है। अब प्रॉपर हम शेप में रख देते हैं इसको अपनी प्लेट पे प्लेटिंग करने के लिए। तो नाइफ को रखना है और तुरंत कट कर देना है उसको, आगे पीछे नहीं करना है नाइफ को, नहीं तो ये कटेगा नहीं। देखिए मैंने ये शेप लिया है, आप चाहे तो पूरा सर्कल बना सकते हैं इसको। और ये तैयार है हमारा ओरियो डिलाइट रोल, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो बच्चों को ज़रूर से बना के दीजिए, उनको बहुत पसंद आने वाला है। ओरियो बिस्किट सबको पसंद आते हैं, क्योंकि ज़रूर से बनाइएगा और खिलाइएगा इस रक्षाबंधन ओरियो डिलाइट रोल। चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, जो कि मैंने बनाया है चॉकलेट आलमंड फज। वो देख लेते हैं कि वो मैंने कैसे किया है। यहाँ मैंने लिया है एक पैन, उसमें मैंने हाफ लीटर दूध डाला है, यानी आधा किलो के करीब फुल क्रीम मिल्क लिया है और 200 ग्राम के करीब मैंने शुगर ली है और इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी एक साथ, और दोनों को एक साथ मेल्ट होने के लिए रख दूंगी, यानी जब तक दूध मेरा आधा ना हो जाए तब तक मैं इसको बॉईल करूंगी। ले ली है मैंने डार्क चॉकलेट और ये 400 ग्राम का पैकेट है और ये आसानी से हर जगह मिल जाता है। मेरा जो दूध है रिड्यूस होने लगा है, लेकिन 2-3 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको, तब तक देख लेते हैं आगे मैंने क्या किया है। जो मैंने डार्क चॉकलेट ली है ना, उसको मैंने उसके जो दो बार लिए हैं वो बार के फॉर्म में आती है, तो दो बार लिए थे और उसको मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया था। आप कट भी कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा ग्रेट किया थोड़ा कट किया और अब मैं तब तक इसे पैन के अंदर मिक्स करूँगी जब तक ये पूरे तरीके से मेल्ट ना हो जाए और जो मेरा मिल्क है और चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए आपस में। और बटर लिया है मैंने हाफ टी स्पून पूरा भर के, जिससे कि चॉकलेट जो मेरा बनेगा मेल्ट होने के बाद बहुत ही ग्लॉसी लगेगा और हमारा जो फज बन कर के तैयार होगा एकदम ग्लॉसी तैयार होगा और खाने में एकदम मॉइस्ट रहेगा, वो यमी लगता है। आप मिक्स ड्राई फ्रूट फज भी बना सकते हैं, आप वॉलनट फज भी बना सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है फज के अंदर, तो आप जो चाहे ट्राई दे सकते हैं। मैंने ये आलमंड फज बनाया है, ये मेल्ट हो गया है, मेरा बटर भी मेल्ट होने लग गया है, चॉकलेट भी मेल्ट होने लग गई है, बस इसे मेल्ट होने की प्रोसेस तक ही हमको पकाना है और उसके बाद जब हम हमारा जो ये चॉकलेट है ना वो मेल्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे करके, फिर हमारा जो गैस है वो हमको बंद कर देना है एक्चुअली, क्योंकि फिर हमें गैस बंद करने के बाद ही चलाते रहना है। यहाँ मैंने ऐड किया है आलमंड, जिसे मैंने रफली क्रश कर लिया था और जल्दी जल्दी हमें चलाना है, गैस कर देनी है बंद, क्योंकि ये मेल्ट होते ही रहेगा अगर गैस चलती रहेगी और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, तो बंद कर दिया मैंने गैस। देखिए धीरे धीरे किनारी छोड़ दिया चॉकलेट ने। आप चाहे यहाँ पे तो कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। देखिए आपस में मिक्स होने लगा है और पैन को छोड़ दिया है मिक्सचर ने, बस सेट होने की प्रोसेस में आ गया है। इसको हल्का सा लूम वॉम स्टेज पर ही हम अपने जो मोल्ड लेंगे ना उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, फज रेडी होने वाला है बस अब ये, और ट्रांसफ़र करेंगे हम इसे अपने मोल्ड में। मैंने एक मोल्ड ले लिया था जिसमें मैंने क्लिंग फिल्म लगा दी है, इसमें क्लिंग शीट भी बोलते हैं उसे, या बटर पेपर भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, और जिसे निकालने में बहुत आसानी होगी। इसको बस टैप कर दिया है दो बार मैंने इसको और डेकोरेट कर दिया है मैंने आलमंड से। अपनी चॉइस का कोई और ड्राई फ्रूट आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करें। बेसिकली बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए होती है, बट बच्चे बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा स्पून से प्रेस कर देंगे जिससे कि अच्छे से ड्राई फ्रूट उसमें लग जाए, और सेट होने देंगे इसको 2 घंटे के लिए। चॉकलेट है ना, सेट ज़रूरी है करना।
हो चुके हैं 2 घंटे, देख लेते हैं कैसा हुआ है। ये तैयार है एकदम हमारा आलमंड चॉकलेट फज। निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको इसको, एकदम इजीली निकल जाता है, बहुत ही इजीली। लुक एट इट, व्हाट इज़ द कलर एंड शाइन, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। कट करने लेते हैं हम इसको अब। लीजिए, मैंने एक प्लेट ले लिया है और नाइफ ले लिया और अपना फज ले लिया और कट कर रही हूँ मैं इसको अब। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं मुझे, जिससे कि मैं आपके सामने नई नई रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ और मैं आगे भी ऐसे ही आती रहूँगी और अपने जो रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी जो रेसिपीज़ हैं कैसे बन रही हैं और एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में। तो लीजिए, तैयार है मेरा चॉकलेट आलमंड फज। इसकी देखिए कितनी सुंदर है, ये कट करके बहुत सुंदर लग रहा है, ये इसका लेंथ वगैरह बहुत अच्छा आया है, बहुत मॉइस्ट बना है, हाथों में मेल्ट हो रहा है एक्चुअली। तो बनाइए और बनाइए इस बार रक्षाबंधन थोड़ा चॉकलेटी चॉकलेटी और बच्चों को घर की बनी रेसिपीज़ या स्वीट डिश ज़रूर से दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, appreciating me, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.